बहुत बड़ा तारीखी इनिशिएटिव है। मैं एसपीएल और आरिफ मलिक साहब का और सिंध के लोग हम खास करके बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये ज़बरदस्त आइडिया लेके हमारे पास आए, और हमारी ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत थी और इन्होंने आके हमें ये फिल करके दिए। बड़ा गैप था, जैसे इन्होंने जिक्र किया शाहनवाज धानी जैसे बच्चे, ऐसे हज़ारों बच्चे सिंध के गलियों में, कराची के चौराहों गलियों में खेलते हैं। आपको नंगर पार्कर से लेके कश्मीर तक ऐसे टैलेंटेड बच्चे मिल जाएंगे, जो बच्चे जिन बच्चों का कोई उनको कोई चांस देने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। ये सिंध की गवर्नमेंट और चेयरमैन बिलावल का विजन था, एसपीएल के प्रेसिडेंट हमारे आरिफ मलिक साहब, इन ये जब हमारे पास आए, हमारे पास बहुत बड़ी नीड थी कि हम बच्चों को एक ऐसा मौका दें जहां पूरे पाकिस्तान और दुनिया के स्टार्स हमारे साथ खेलें, हमारे साथ वो हमारे बच्चों को वो एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, और जो बच्चे आजकल जो गलियों में ऐसे वेस्ट हो रहे हैं वो जाके पाकिस्तान का नेशनल लेवल पे नाम, इंटरनेशनल लेवल पे रोशन करें। देखें, सपोर्ट तो रिमार्केबल है। अगर आप सपोर्ट की बात करें, अभी अरबाब साहब के साथ ऑन द वे जब हम थे तो यही डिस्कशन हो रही थी। सर ने कहा है कि थरपारकर जैसे एरिया में हम देखना चाहते हैं कि वहाँ पे क्रिकेट एकेडमी है, इंटरनेशनल कोचेज आके बच्चों को सिखा रहे हैं। सो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि सिंध में हम ये अकेडमीज हम डेवलप करें, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हम बनाएं यहाँ पे। देखें, हाई परफॉर्मेंस सेंटर अकेडमीज का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप देखें तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर ही एक फैसिलिटी है जहाँ पे प्लेयर्स जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। सो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कम अज़ कम 2-3 पॉइंट्स हों और वहाँ पे हम इसको फिर इस्टेब्लिश करें, और ये जो सिंधी बच्चे जब खेलेंगे, देखें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है एक्चुअली सारी, कि जब हर प्लेयर होता है नेट्स में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में आके खेलते हैं तो तब आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। अगर कॉन्फिडेंस मिलेगा उनको गवर्नमेंट की साइड से और जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी साइड से, तो यकीनन वो परफॉर्म करेंगे। सर, ये सबसे अहम सवाल है वैसे, हम ये तो हमने ऑल ओवर जाए। नहीं, ये मैं बताना चाह रहा था, कराची पहले हमारा फोकस पूरा सिंध है, जैसे हमें कराची अजीज़ है इतना ही सक्कर अजीज़ है, इतने दूसरे अजला अजीज़ हैं हमें। सिंध गवर्नमेंट ने कोई हम आप छोटी सी मिसाल देता हूँ, हम थरपारकर जैसे रिमोट एरिया में हम कोई 10 क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, 10 क्रिकेट स्टेडियम एक डिस्ट्रिक्ट में हम बनाने जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि स्केटर्ड है। सिंध गवर्नमेंट ने जितने जैसे हमने टीम्स बनाई हैं, जैसे आपने टीम्स बनाई हैं, जैसे 6 डिवीज़न की टीम बनाई है, इसमें हम यही चाह रहे हैं कि आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देंगे, आप अकेडमीज बनाएंगे हर डिवीज़न में, अकेडमीज बनाएंगे, उसके अलावा हम वहाँ पे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम प्रोवाइड करेंगे, सिंध गवर्नमेंट वहाँ प्रोवाइड करेगी। जब फर्स्ट सीज़न हमारा यहाँ पे कराची में होगा, उसके बाद हमारा हर सीज़न जो होगा वो सखर में हम करा लेंगे, उसके बाद हम हैदराबाद में करा लेंगे। ऐसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, हमने काफ़ी सखर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कराची जैसा है हमने बनाया, और हम हैदराबाद का भी हम जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बनाएंगे इंशाल्लाह। वाओ, माय फेवरेट क्वेश्चन। देखें, प्रोडक्शन की जब आप बात करते हैं तो इस स्टेडियम के अंदर यू जस्ट इमेजिन वी आर कमिंग अप विद 32 कैमरास प्रोडक्शन, के 32 कैमरास यहाँ पे लगे हुए हैं, जिंक स्टम्प्स आपकी ग्लो कर रही हैं, फिर उसके बाद बगी कैम यहाँ पे मौजूद होगा, उसके बाद फिर आपका जो रन आउट वाला यूजुअली आजकल आप हम टीवी में देखते होंगे, फ़ौरन जनाब सिग्नल आता है कि ये रिव्यू लेते हैं, सो ये वाला सिस्टम भी है। सो इस पर थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूजुअली प्राइवेट लीग्स में इतना नहीं होता। हम तो ये भी कोशिश कर रहे हैं, अगर हमें अच्छी सपोर्ट मिली गवर्नमेंट की तरफ से या स्पॉन्सर्स की तरफ से, तो शायद स्पाइडर कैम भी हम, बहुत बड़ी ख्वाहिश है हमारी कि वो भी हम लगाएं, कि हम दुनिया में शायद वो प्रोबेबली पहली लीग हों कि जो स्पाइडर कैम भी साथ में यूज़ कर रही है, और ये बड़ी अचीवमेंट होगी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अचीवमेंट होगी। तो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स बहुत हाई, वी आर गोइंग विद 4K कैमराज प्रोडक्शन, जो कि वर्ल्ड कप में, PSL में, इवन IPL में यूज़ होती हैं, या इस किस्म के लीग्स में यूज़ होते हैं, वही स्टैंडर्ड्स हम इंशाल्लाह ताला मेंटेन कर रहे हैं।
तो बहुत बढ़िया होगी, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलेगी। आप ये जो टूरिज्म बढ़ेगा, जब भी हम ये सिंध के दूसरे अज़ला में लेके जाएंगे, वहाँ पे हम जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो हम जब दिखाएंगे और सिंध की असल ब्यूटी को जब एक्सप्लोर करेंगे, तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे बहुत बड़ी जॉब्स क्रिएट होंगी। मैं SPL से और SPL की ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी ये उम्मीद करके बैठे हुए हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो जॉब क्रिएट आपकी वजह से होंगी वो थाउजेंड्स में जॉब क्रिएट होंगी। और 10,000 का टारगेट है, 10,000 एक प्राइवेट लीग अगर इतना करके देती है तो बहुत बड़ी बात है। और आप मलिक साहब, ये आप तो यकीन रखें, हमारी गवर्नमेंट चेयरमैन बिलावल साहब की हमें इंस्ट्रक्शन है कि इस लीग को कैसे भी कामयाब करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के ख्वाब जुड़े हुए हैं और उन बच्चों के मुस्तकबिल जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम होपफुल हैं, सिंध गवर्नमेंट बहुत कोशिश करेगी कि इंटरनेशनल एक इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए, नेशनल ना आनी चाहिए, इंटरनेशनल आनी चाहिए। ये सिर्फ सिंध का नहीं खेल है, ये सिंध की लीग नहीं है SPL, ये सारे मुल्क की है। अगर इसमें सारा मुल्क पार्टिसिपेट करेगा तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है SPL इंशाल्लाह। देखिए, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में तो हम राइट अवे स्टार्ट कर रहे हैं कि हम अभी, बल्कि सर को भी ये बताते हैं कि हम लोग विद इन अ वीक हमारी जो टीम्स हैं वो सिंध में जा रही हैं, पूरे सिंध, हर सिंध के पार्ट में जा रही हैं, और वहाँ पे हम तकरीबन कुछ 40 से 50 बच्चों का हमारा टारगेट है, उठा के उनको हम यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे उनको अकोमोडेट करेंगे, उनकी अकोमोडेशन, उनके लॉजिस्टिक्स सारे वो हम उसमें बेयर करेंगे, उनको ग्रूम करेंगे, और फिर ये वही बच्चे होंगे जो सिंध प्रीमियर लीग के अंदर इमर्जिंग कैटेगरी जो है सिंध की है उसमें वो बड़े प्लेयर्स के साथ खेलेंगे। वेरी गुड। सो ज़ाहिर है उनको मौका मिलेगा, यहाँ पे आके रहेंगे, एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अक्सर, एग्जाम्पल शाहनवाज दानी कहता जी मेरे जूते नहीं थे पहले। सो इस किस्म की, और ऐसा ही टैलेंट हम चाहते हैं कि आए, उसको हम इक्विप करें जो डिजर्व करते हैं। सो उसको हम यहाँ आपने बात की, इसमें मैं एक बात ऐड करता जाऊँ, हम इसमें आरिफ साहब ने कहा कि हम उनको लॉजिस्टिक देंगे, उनको अपने पास रखेंगे, तो मैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हम आपको हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे, आप बच्चों को वहाँ रखें, अच्छा हॉस्टल है, बहुत ज़बरदस्त हॉस्टल होगा, और यहाँ मेरे ख्याल में कहीं ऐसा बना नहीं हुआ, और हमने गवर्नमेंट सिंध में बनाया हुआ, आप वहाँ पर बच्चों को रखें। डन डन, ये थैंक यू। देखें, जब इनॉग्रेशन हुई उसके बाद CM साहब के पास एक हमारी इवेंट हुआ SPL का, CM हाउस में हुआ, वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास होस्ट किया हाउस में, सिंध गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर हाउस, मतलब गवर्नमेंट उसको ऑन किया, और वहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन आए, मुख्तलिफ हल्का अहबाब से लोग आए जो सोसाइटी पे असर रखते हैं, हमने कोशिश की उनको इनक्रेज करें कि, और गवर्नमेंट का नाम जुड़ना, SPL के साथ जुड़ने का मकसद ही यही था कि इन्वेस्टर आएँ और हम लोगों को इनक्रेज करें कि यहाँ आएँ, अपना भी बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट करें और बच्चों को मौका दें, रोज़गार क्रिएट करें, हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन हो, वो हमने एनवायरनमेंट पैदा किया है और आगे भी जाके इसको हम और इनहांस करें। देखें, एक तो जो सबसे पहला किसी भी प्राइवेट लीग का जो स्टेप होता है वो फ्रेंचाइज सेलिंग का होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन उस स्टेप को अबूर कर चुके हैं। एक अधिक फ्रेंचाइज इस वक्त अवेलेबल है, वो भी हमने किसी के लिए पार की हुई थी किसी की रिक्वेस्ट पे। सो फ्रेंचाइज सेलिंग हो चुकी है। मार्केटिंग में हम इस वक्त जो SPL का व्हील है, व्हील इज़ ऑन द रोड, इट्स मूविंग। मेरा ख्याल है कि हमने जो, अगर आप ब्रांडिंग के हवाले से आप बात करें तो 50 बसेज फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे मैक्सिमम जो क्वांटिटी बसेज की है वो हमने की है। बाकी भी ब्रांड्स यहाँ पे चल रहे हैं, हम उनको भी इनक्रेज करते हैं। सो सिंध प्रीमियर लीग को हम एक प्रॉपर इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मिनिस्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट भी की कि हमारा जो UK और US का रोड शो है उसमें जाएं, हमें लीड करें, और जो स्पोर्ट्स टूरिज्म वाला जो फैक्टर है वहाँ से लोगों को हम यहाँ पे लेके आएँ। मतलब हर मैच में अगर आपके 100-200 ओवरसीज भी बैठ के देख रहे हों, वो आके पैसे खर्च करेंगे, यहाँ पे होटल्स में रहेंगे, सो वो एक आपका जो इकोनॉमी जनरेट होती है, जनरेट होती है। सो हम चाह रहे हैं कि इस किस्म के वो काम भी करें। तो मेरा ख्याल है कि
वी आर लाइक रेडी कि हम बस अब बाकी जो ऑपरेशन हैं वो तो एक नॉर्मल रूटीन के ऑपरेशन हैं, बाकी वी आर लाइक ऑलमोस्ट रेडी। और यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे स्पॉन्सर्स का। इतनी जल्दी स्पॉन्सरशिप का सर वैसे होता नहीं है कि आप बस दो ढाई महीने पहले स्पॉन्सरशिप आना शुरू हो जाए। माशाल्लाह हयात ग्रुप ने हमारे साथ एक बड़ा अच्छा वेंचर किया और बसेस को उन्होंने ब्रांड किया, कॉस्ट उन्होंने भेज दी, सो विच इज़ गुड फॉर द सिंध प्रीमियर लीग, विच इज़ गुड फॉर द सक्सेस ऑफ सिंध प्रीमियर लीग। आप इस पर से क्या कहेंगे? नहीं, मैं पहले ही कहा था कि जो जैसे लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे आपने काम किया है, लोगों को कायल किया है, ये हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जब पहले जब मैं आपसे सही बात करूं कि जब पहले जब आए हमारे टूर्नामेंट टाइप थी, हमने जब आए थे आइडिया लेके, हमने कहा कि इसमें तो बड़ी जान लगानी पड़ेगी और ये कैसे करेंगे ये भी। पर आपका जो माशाल्लाह पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है KPL का, जो पाकिस्तान की खिदमत है वो जो की आपने वहाँ पे कश्मीर में, उसके उस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से हमने कहा कि आप पे हम बेट लगा सकते हैं और आप कर लोगे। तो ये जो आपके स्पॉन्सर्स आए हैं और जो जैसे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम इनके बड़े मशहूर हैं। इन लोगों के इंटरेस्ट से, इन लोगों के ख्वाब, लोगों के रोज़गार और एक बड़ा सुनहरा मौका है स्टार्ट पैदा करने का। और ये आप लोगों को क्रेडिट जाएगा जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब क्रेडिट जाएगा सिंध गवर्नमेंट चेयरमैन की सरबराई में। और चेयरमैन का आपको पता है कितना इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि कैसे भी करके SPL कामयाब हो और इंटरनेशनल लीग बने, नेशनल लीग ना बने, इंटरनेशनल लीग बने, सिंध के खिलाड़ी इसमें खेलें, नेशनल पाकिस्तान के खिलाड़ी दूसरे प्रोविंस से आएँ। हम उन प्रोविंस के, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ज़रूर ये कहूँगा कि ये सिंध की लीग है पर ये पाकिस्तान की लीग है, आप इसमें पार्टिसिपेट करें, आप आएँ, अपना टैलेंट दिखाएँ। और मैं कहूँगा कि आप यहाँ सिंध की मेहमान नवाजी भी देखें, पल्ला मछली भी खाएँ आके यहाँ पे, और यहाँ पे गाना भी बड़ा चला हुआ। हाँ, गाना चला हुआ है, रियो चला हुआ, रियो तो नहीं चलाएं, मच्छी पुलाव खाएं आके। और यहाँ पे और सिंध के लोगों की मेहमान नवाजी और पीपल्स पार्टी का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो यहाँ पे हमने काम किया, वो भी खुद आके कर दिया करें। सारे स्टार हमारे अपने स्टार हैं, फिलहाल तो सुपरस्टार आप खुद बने हैं। मैं शायद अफरीदी को देखना चाहेंगे, हम बचपन से देखते देखते बड़े हुए हैं, हम बड़े हो गए हैं, शायद भाई अभी तक जवान है और उसको हम देखना चाहेंगे। पर मेरी फेवरेट टीम तो मेरपुर खास होगी, मेरी फेवरेट टीम होगी, क्योंकि मैं वहाँ मेरा घर है, हम सारा सिंध हमारा घर है, पाकिस्तान घर है, पर अगर पर्सनल पूछेंगे तो मेरे को खास होगी।